न भिगोना न पीसना, बस 5 मिनट में 1 कप बचे हुए चावल से सुबह का नाश्ता बनाना, और वह भी इतना आसान कि आप चावल थोड़ा ज़्यादा ही बनाएंगे ताकि इसे आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में इंजॉय कर सकें। तो चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं 1 कप पका हुआ चावल के साथ में। और इसके साथ ही मैंने लिया है 1/2 कप सूजी। आपके पास मोटा या पतला जो भी सूजी आप उसे ले सकते हैं। और साथ ही ये मैंने फ्रेश दही लिया है 1/4 कप। तो जितना चावल लेना है उसका 1/2 सूजी और सूजी का 1/2 हमें दही लेना है। तो बस मेज़रमेंट का थोड़ा ध्यान रखें और इसमें बस 3 से 4 चम्मच ही पानी डाल के इसका हमें एक गाढ़ा थिक पेस्ट बना लेना है। तो ये देखिए सारी चीज़ों को मैंने मिक्सर ग्राइंडर में डालकर इसका एक गाढ़ा पेस्ट बना दिया है और इसे हम रेस्ट करने के लिए 15 से 20 मिनट के लिए रख देंगे। तो आइए इसी बीच हम सब्जियों की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने बारीक कटा हुआ प्याज, शिमला मिर्च, गाजर, टमाटर लिया है। टमाटर का बीच वाला पार्ट निकाल के अलग कर दिया है क्योंकि उसमें काफ़ी लिक्विड होता है तो वो हमारे उत्पम को सौगी बना सकता है। और साथ ही मैंने लिया है बीन्स, कुछ बारीक कटी हुई हरी मिर्च, धनिया पत्ती और करी पत्ता। बस सारी चीज़ों को एक मिक्सिंग बाउल में डालकर हमें थोड़ा करी पत्ता को हाथ से ही क्रश कर लीजिएगा जिससे उसका फ्लेवर और इनहेंस हो जाएगा। और ये हमारा सब्जियों का मिक्सचर भी तैयार हो गया है। 15 मिनट भी हो चुके हैं तो देखते हैं। और यह देखिए जो बैटर है हमारा काफ़ी थिक और फ्लफ़ी हो गया है क्योंकि सूजी फूल गई है थोड़ी। और उसके बाद इसमें हम डाल देते हैं नमक, लाल मिर्च और साथ ही इसे ज़्यादा से ज़्यादा फ्लफ़ी बनाने के लिए यहाँ मैं डालने वाली हूँ 1/4 टीस्पून इनो। तो वैसे आपके पास यदि इनो नहीं है तो आप जो खाने वाला सोडा है उसे भी 1/4 टीस्पून डाल सकते हैं। और अंदाज से 3 से 4 चम्मच पानी मिला के इसे थिक लेकिन फ्लोइंग कंसिस्टेंसी वाला बैटर बना लीजिए। और अब आप सोच रहे होंगे कि ये प्याज मैं क्यों काट रही हूँ। वो इसीलिए कि कितनी बार तवा नॉन स्टिक होने के बाद भी उस पर डोसा या उत्पम चिपकता है। तो बस आपको थोड़ा सा तेल डालकर यदि आप प्याज उस पर रगड़ देंगे ना तो वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा। तो ये एक खास ट्रिक है, इसे अप्लाई ज़रूर कीजिएगा। और उसके बाद एक छोटा छोटा स्पून से हम छोटे छोटे मिनी उत्पम बना लेंगे। और जब वो उत्पम का बैटर गीला ही होगा तो जो हमने अपना मिश्रण सब्जियों का काट के रखा था उसके ऊपर डाल के उसे हल्का सा प्रेस कर दीजिए। और बस 1/2 से 1 मिनट के अंदर ही इस पर आप थोड़ा थोड़ा रिफाइंड ऑयल डाल दीजिए। और यह देखिए बहुत ही आसानी से यह आप पलट सकते हैं इसे। और इसका कलर देखिए बहुत ही खूबसूरत आया है। इसका टेस्ट भी वो एकदम रियल उत्पम जो हम दाल चावल पीस के बनाते हैं एकदम उसकी तरह ही आता है। देखने में भी बहुत ही खूबसूरत, मतलब यदि आप मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में नहीं और शाम को आपके घर कोई गेस्ट आए हैं तो इसे आप बना के चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेरे पास सांभर भी बना हुआ था और चटनी भी थी तो मैं इसे सांभर और चटनी के साथ में सर्व कर रही हूँ। होप आपको ये रेसिपी पसंद आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छी लगी रेसिपी तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट एपिसोड में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।